सबसे पहला एमसीक्यूज़, एवोकाडोज़ नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ़। मैंने बताया था कि एवोकाडोज़ नंबर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ एटम इन एन एलिमेंट, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ़ आयंस इन द आयनिक सब्सटेंस। अब देखते हैं इनमें कौन सा ठीक है। एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, हीलियम गैस एक मॉलिक्यूल होता है और मॉलिक्यूल में एटम नहीं होते, और 1 ग्राम में नहीं 1 मोल। और हीलियम गैस का एटॉमिक मास होता है वो तो 4 होता है, शायद 1 ग्राम तो नहीं होगा। दूसरा, एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम होता है 1 मोल ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। जबकि तीसरा है, अब इसे देखते हैं ये गलत क्यों है। मॉलिक्यूल इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। मॉलिक्यूल तो ठीक है, लेकिन क्लोरीन गैस का फार्मूला Cl2 होता है, और Cl2 में 2 क्लोरीन के एटम होते हैं। एक एटम का मास 35.5 और दो एटम का मास 70 होता है, ना कि 35.5। ये इसलिए गलत है कि क्लोरीन गैस का जो मॉलिक्यूल है वो 35.5 नहीं बल्कि 70 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नीड टू डिपोजिट 24 ग्राम मैग्नीशियम, ये तो वैसे ही गलत है। सेकेंड एम सी क्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम मॉलिक्यूल और फार्मूला यूज़ नहीं करते, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए हम आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला मास यूज़ करते हैं और फार्मूला यूनिट। अब जो बी ऑप्शन है, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला बोथ आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के लिए यूज़ होता है, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सिर्फ सिर्फ मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए यूज़ होता है। लिहाजा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सी ऑप्शन है, ये रोंग है, बकाया तीनों ठीक हैं। 98 ग्राम H2SO4 कंटेन। अब 98 ग्राम ऑफ H2SO4 का मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ H2SO4, और 1 मोल ऑफ H2SO4 कंसिस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस। ये जब H2SO4 डिसोसिएट होता है तो ये 2 हाइड्रोजन के आयन और एक नेगेटिव आयन सल्फेट का टोटल 3 आयन में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो है 3 मोल ऑफ आयंस। H2SO4 डिसोसिएट होकर 2H+ प्लस SO4- 3 आयन देता है, और 3 आयन का मतलब ये है कि 3 मोल्स ऑफ आयंस हमें हासिल होंगे जब 98 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसोसिएट होगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस बाय अल्फा रेज एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ही यूज कर सकते हैं, इसका डी ऑप्शन है, ये तो बुक के मुताबिक है। इसके बाद आइसोटोप जो से हैं वो डिफर इन प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मास। ये पहला ठीक है, क्योंकि आइसोटोप्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंस होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से आइसोटोप्स जो होते हैं उनके एटॉमिक मासेज भी डिफरेंट होते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टीज पर ही आइसोटोप डिफर करते हैं जो कि मास पर डिपेंड करती हैं। जबकि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आइसोटोप की सेम होती है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि आइसोटोप्स में सेम होते हैं इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइसोटोप्स की वजह से अफेक्ट नहीं होती। द एक्सटेंट टू विच दे में भी इफेक्टिव बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं एटम के गिर तो उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इफेक्ट होता है, लेकिन इसका भी कोई चक्कर नहीं लगा, ए ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर मास टू चार्ज रेशियो इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जो मास टू चार्ज रेशियो है H2R2E, ये पहला ऑप्शन ए ही ये ठीक है। सो ए ऑप्शन इज ट्रू। सिंबल नॉट ओनली इंडिकेट्स नेम ऑफ एलिमेंट बट आल्सो रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट 1 एटम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 AMU। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट हमने पढ़ा था कि ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका सिर्फ एक आइसोटोप होता है, और इनमें फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड, एसिटीन आ जाता है।
इधर फ्लोरीन गोल्ड एसटीन तो है, लेकिन क्लोरीन भी है। क्लोरीन मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट नहीं है, और इसके दो आइसोटोप होते हैं 35 37, लिहाजा बी इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट? फॉर्मेशन ऑफ यूनि एक्टिव आयन इज एक्सोथर्मिक। यूनि एक्टिव आयन फॉर्मेशन होती है, इसमें हम एक किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो वो एनर्जी देता है, एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। सो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन ट्रू है, वाकई यूनि एक्टिव आयन एक्सोथर्मिक होता है। सेकेंड डी बी, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम इज लेस देन नंबर ऑफ नेगेटिव आयन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम। हमने पढ़ा था कि जब ग्रुप ऑफ एटम होते हैं उन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो लेस कॉमन होते हैं, जिनमें एनर्जी फोर पॉजिटिव और कुछ कार्बोकेटाइन पाए जाते हैं, जबकि ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ये मोर अबंडेंट होते हैं। सो बी ऑप्शन भी सही है। एक्स रेज एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज टू प्रोड्यूस पॉजिटिव आयन, ये भी ठीक है। नंबर ऑफ कैटायनिक मॉलिक्यूल आयन इज लेस देन नंबर ऑफ एनायनिक मॉलिक्यूल आयन, ये रोंग है, क्योंकि जो कैटायनिक मॉलिक्यूल आयन है वो मोर अबंडेंट होते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन से, जबकि इन्होंने कहा हुआ है कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन लेस कॉमन है, जबकि जो कैटायनिक मॉलिक्यूल आयन है वो इसलिए मोर अबंडेंट होते हैं क्योंकि इनकी फॉर्मेशन ईजी होती है, इनको हम एक्स रेज या अल्फा रेज के जरिए ईजिली फॉर्म कर सकते हैं, जबकि एनायनिक मॉलिक्यूल आयन की फॉर्मेशन डिफ़िकल्ट होती है। नेक्स्ट, हो मैनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज। अब सुक्रोज का जो मोलर मास होता है वो 342 ग्राम। ये वन मोल ऑफ जब सुक्रोज होगा तो उसमें होंगे नंबर ऑफ एटम वन मोल, तब होंगे जब 34 ग्राम हम सुक्रोज यूज करेंगे तो वन मोल हो जाएगा। अब वन मोल हो गया तो वन मोल में हम जानते हैं कि 6×10^23 एटम्स पाए जाते हैं। अब एक सुक्रोज के मालिक्यूल में 12 एटम हैं, उन्होंने पूछा हुआ है कितने एटम कार्बन के हैं। सो 6×10^23 को जो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3342 ग्राम में 72×10^23 एटम आ जाएंगे। लेकिन इन्होंने ये 342 ग्राम में नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं पूछे, इन्होंने पूछा हुआ है कि 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने पाए जाते हैं। सबसे पहले हम मालूम करते हैं कि 34.2 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सुक्रोज के। अब 340.2 ग्राम को 342 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। अब 0.1 मोल एक, क्योंकि एक जो है सुक्रोज का मॉलिक्यूल उसमें 12 कार्बन एटम होते हैं, तो हम 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और फिर इसको जी मल्टीप्लाई करेंगे 6×10^23 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.2×10^23। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6×10^23। अब इन्होंने पूछा हुआ है सुक्रोज के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। अब एक मॉलिक्यूल जो है इसमें 12 कार्बन एटम है, अब एक मोल में 12 कार्बन एटम है तो इसके 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से एवोगैड्रो नंबर से, तो ये जवाब आ जाएगा 72×10^23। लेकिन इधर इन्होंने पूछा हुआ है कि 34.2 ग्राम में कितने कार्बन एटम होंगे सुक्रोज के, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे जो कि 0.1 मोल हैं। एक मोल में तो होते हैं 6×10^23 को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 से आता है 72×10^23 एटम, यानी एक मोल ऑफ सुक्रोज में 72×10^23 एटम होते हैं। अब 0.1 मोल में हमें निकालने हैं तो हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से और इसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे 6×10^23 से, तभी हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.2×10^23 एटम। सो 0.1 मोल में 7.2×10^23। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1000 cm³ ऑफ नाइट्रोजन अंडर रूम टेम्परेचर। हमने पढ़ा है कि मोलर वॉल्यूम 22.414 cm³,
या अगर इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में ले लें तो 22414 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मोल। अब 1 मोल में होते हैं 6 × 10⁻²⁰ एटम्स। अब कहते हैं कि उन्होंने ये पूछा हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन में कितने नंबर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 22414 में होते हैं 6 × 10⁻², और 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालें तो कितने होंगे। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब को निकालने के लिए हम 22414 को डिवाइड कर देंगे 6 × 10⁻², और उन्होंने पूछा हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों तरफ से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 × 10⁻²³ को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 22414 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2.5 × 10⁻²². इस तरह से वो मजीद पूछ सकता है, इस तरह से वो कह सकता है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, तो यही प्रोसेस होगा, इतना प्रोसेस सेम है। इधर आके हमें हम दोनों तरफ 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ देंगे। बका जो जिसका भी पूछ सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं नाइट्रोजन का, किसी और का पूछते हैं, कार्बन का पूछते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने का यही प्रोसेस है। पहले आप 1 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को जितने सेंटीमीटर क्यूब उन्होंने मांगा हुआ है इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, और जो जवाब आएगा वो आप नोट कर लें। इधर जवाब आ रहा है 2.5 × 10⁻²। इसके आगे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहले आयनाइजेशन होती है, एम्पलीफिकेशन, रिकॉर्डिंग, डिटेक्शन एंड सेपरेशन। ये पहला गलत है, दूसरा आयनाइजेशन, एम्पलीफिकेशन, डिटेक्शन, सेपरेशन ये भी गलत है, रिकॉर्डिंग तो ये आखड़ पे होती है सबसे पहले, ये भी गलत है। आयनाइजेशन होती है, फिर आयन को सप्रेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, उसके बाद तो उनकी इलेक्ट्रोमीटर पर डिटेक्शन होती है, उसके बाद एम्पलीफिकेशन और रिकॉर्डिंग। सो डी ऑप्शन इधर बिल्कुल करेक्ट है। हो मैनी ब्रोमीन एटम्स आर इन 3 मोल ऑफ ब्रोमीन एलिमेंट। 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एलिमेंट में 6 × 10⁻²³ एटम होते हैं, और 3 मोल ऑफ ब्रोमीन एलिमेंट में कितने होंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × इससे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 × 6 × 0.602 × 10⁻³⁰ −23 है, लिहाजा ये गलत है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन करेक्ट है, जिन्होंने 3 को मल्टीप्लाई किया हुआ है वो गैटो नंबर से। नेक्स्ट, CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग कम्बशन एनालिसिस ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अब्सॉर्ब इन 50% ऑफ KOH सॉल्यूशन, इट इज केमिकल चेंज ओनली। फिजिकल चेंज कोई नहीं आएगा इसमें, सिर्फ सिर्फ केमिकल चेंज ही आ सकती है। इतना खास MCQs नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से अब्सॉर्ब करेगा तो कोई बॉन्ड बनेगा, लिहाजा उसके बाद सिर्फ केमिकल चेंज ही आ सकती है। इन एन एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर इज अब्सॉर्ब बाय, इसे मैग्नीशियम क्लोरेट MgCl4 और ब्लैक टिमर 2, मैग्नीशियम क्लोरेट जोन सा है वो अब्सॉर्ब करता है वाटर को, जबकि जोन सा है CO2 को अब्सॉर्ब करने की 50% KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, द अमाउंट ऑफ H2 गैस प्रोड्यूसेस। जब 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है H2SO4 से तो मैग्नीशियम सल्फेट और 1 मोल ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन 12 ग्राम का मतलब है क्योंकि 24 ग्राम मैग्नीशियम हो तो फिर होता है 1 मोल। अब जो 12 ग्राम है इसका मतलब 0.1 मोल। अब इधर हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम पैदा होनी थी अगर 1 मोल होती, लेकिन इधर 0.1 ग्राम मैग्नीशियम है तो इधर भी 0.1 ग्राम ही हाइड्रोजन पैदा होगी, लिहाजा ये 1 ग्राम हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 ग्राम।